वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब. आज हम जो टॉपिक बात करने वाले हैं सोशल इशू है हमारा, क्योंकि उसमें हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं और कल हमने अपने जो घर के हवाले से उस पर डिस्कशन की. आज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस पे हम बात करने वाले हैं कि हमारे यहाँ पे घरों के अंदर जो एक माहौल होता है उसमें थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है. वो थर्ड पार्टी किसी भी शक्ल में हो सकती है, चाहे आप आपस के रिलेशनशिप्स की बात करें, पेरेंट्स की बात करें कि उनका आपस में और उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है. तो ये सारे सिनेरियो को डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर फरिया नाज, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं. वेलकम टू शो डॉक्टर फरिया, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर फरिया. बेसिकली हम थर्ड पार्टी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? थर्ड पार्टी एक्चुअली हमारे यहाँ एक परसेप्शन है कि जब आपके आपस के मामला जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहे होते तो हमें ऐसे लगता है कि हमें थर्ड पार्टी की हेल्प की ज़रूरत है. जो कि हमारी सोसाइटी में पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, यहाँ पे आपको पता है कि आपको कभी भी कोई ऑनेस्ट ओपिनियन या कोई ऑनेस्ट सजेशन आपको नहीं मिलने वाला. तो अगर हमारे यहाँ जो थर्ड पार्टी की जब होती है वो जब इंटरवीन करती है तो वो कोई एक बड़े डिजास्टर की सूरत में ही आती है. तो उसमें जो है आई थिंक के जो हमारी थर्ड पार्टी के बारे में परसेप्शन है वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है. देखिए बहुत सारे मामला हम ये जो डे टू डे बेसिस पे हम एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू लाइक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और लाइक बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिसमें हमें आई थिंक अगर दो लोग हैं और वो आपस में ही उसको रिजॉल्व कर लें. हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि टाइम के साथ साथ हमारा टेम्पर लूज होना बहुत ज़्यादा होता है. हम छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, हम छोटी छोटी बात पे एनॉय होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बातें बढ़ना शुरू हो जाती हैं. हमारी पर्सनैलिटी की डिवेलपमेंट ही इस तरह से होना शुरू हो गई है. अगर हस्बैंड और वाइफ है उनके बीच में लड़ाई हो रही है तो उसकी वजह से बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं. बहुत सारे ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स. तो उसमें ये होता है कि जैसे थर्ड पार्टी को अगर आप इनवाइट करते हैं या फिर आप इंटरवीन करने के लिए अलाउ करते हैं तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो ये होता है कि उस मसले को रिजॉल्व करना, रिजॉल्व किया जाए. लेकिन होता क्या है एक्चुअल में कि उसकी वजह से मजीद मसाइल क्रिएट बिगड़ जाते हैं. कुछ लोग इंटरफेरेंस पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते. डेफिनेटली देखिये हर बंदे की पर्सनैलिटी है और हर बंदा अपने हिसाब से चलता है. सो अगर मैं अपनी तरफ देखूँ तो आई वोंट लाइक कि कोई मेरे मामले में इंटरफेयर करे. क्यों इंटरवीन करे? आई डोंट लाइक इट. सो बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि हम अपने प्रॉब्लम को खुद ही रिजॉल्व करें, हमें किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत ना पड़े. और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो फौरन से भी मसला छोटा सा होता है भागते भागते जाते हैं, ढंडोरा पीटना वो कहते हैं ना कि मतलब ढोल बजाना शुरू कर देना कि अच्छा ठीक है हमें हेल्प की जरूरत है, बताओ हमें क्या करना चाहिए. सही. अब आपको क्या पता कि आपके पास क्या पता उससे ज्यादा विजडम हो, आप ज्यादा अच्छे तरीके से मामले को आप अच्छे इंटरप्रेट कर सकें, आप उसको रिजॉल्व कर सकें, उसका रेजोल्यूशन आपके पास बेहतर हो. लेकिन आपको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती तो उसकी वजह से जो है ना वो काफी चीजें खराब होती है. अच्छा जनाब, हम चाहेंगे कि आप भी कॉल करें और हमारे साथ पार्टिसिपेट करें हमारे टॉपिक के अंदर कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आपके नजदीक बेसिकली तीसरी पार्टी है कौन. अगर आपके घर के मामला पे इंटरफेयर कर रहे हैं किसी भी सूरत में, हो सकता है आपको कोई नंद अपनी ना इस तरह से पसंद हो, आपको कोई देवर की इंटरफेरेंस ना पसंद हो, कोई किसी दोस्त की इंटरफेरेंस ना पसंद हो, इवन आप अगर अपने अपने इन-लॉज में रह रहे हैं, पेरेंट्स अगर आपके क्योर में आप केयर में आपके उसमें कर रहे हैं इंटरफेयर, आपको शायद वो अच्छा ना लगे या आपके फैमिली को अच्छा ना लगे. तो ये सारे सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव बात भी हम करें और नेगेटिव भी करें. मिसेस नवीद है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जीती रहो, खुश रहो. बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है. तुम्हारे तो रोज इतना मजे के टॉपिक होते हैं, है ना? वो दिल की भड़ास जो होती है ना घरेलू औरतों में, है ना, वो निकल जाती है. मेरी भी आधी भड़ास यही पे निकलती है मिसेस नवीद. अच्छा आज के क्या टॉपिक हवाले से कहना चाहेंगे आप? मैं यही कि अभी मेरी बेटियां आई है, छोटी वाली कह रही है मामा जो होती है ना तीसरा बंदा होता है ना वो होता है छुतनी. पंजाबी का वर्ड है, तबाह करो. हाँ ये ठेठ पंजाबी का वर्ड है. रोल अदा करती है, आई है
और मिसेस नवीद मैं भी नंद हूँ, किसी की ऐसे तो ना कहे ना, आजकल बेचारी जो सासें हैं बड़ी मासूम हो गई हैं। अच्छा मिसेस नवीद मैं कह रही थी कि मैं भी नंद हूँ, मुझे तो ना कहे ना ऐसे नंदे काम खराब करते। मेरी बात नहीं समझे, जो आप जैसे नंदे हैं ना, मेरी बेटी जैसे नंदे बनने वाली वो 10% है बस। हाँ बस ठीक है, ये तो तारीफ सुनना चाह रही थी अपनी। ठीक है, बाकी ना यही है कि आपके फजूल फर्स्ट टाइम है। हाँ, नमाज कुरान नहीं पढ़नी, किसी के घर जाके देखो क्या हो रहा है किसी के। उस दिन आमना भी कह रही थी ना कि प्रेगनेंट औरतें होती है तो शुरू हो जाता है। हाँ, कि अब इससे ये महीना खत्म हो गया, अब ये क्या हो रहा है। लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा हो गया फर्स्ट, और क्यामत आने वाली है, नमाजें पढ़ो। अल्लाह ना डराए, मैं तो मिसेस नवीद डायरेक्ट क्यामत पे आ गई है। शायद इससे ही डर जाए, लोगों के घरों में सुकून हो जाए। आमीन आमीन, सुकून हर घर में हो। बहुत शुक्रिया मिसेस नवीद आपकी कॉल के लिए, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर देती हैं। और वो जो क्या इन्होंने वर्ड यूज किया था, शतुंगड़ी। ठीक है, अच्छा ये फरिया, नॉर्मली घरों में है कि आपकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, चाहे वो अगर मैरिड नंदे हैं, मैरिड स्पेसिफिकली बात करूं, और अगर अनमैरिड भी हैं, तो बेचारी जो आ जाती है ना, उसकी जिंदगी कभी कभी हराम हो जाती है, कभी कभी बहुत अच्छी भी होती है। हाँ ऐसा भी है। हाँ, बिल्कुल। देखिए इसमें अगर आप ये स्पेसिफिकली अगर नंद की बात करते हैं, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, पहली बात तो ये कि कुछ लोग होते हैं जो कि अगर तो आपसे कोई कह रहा है ना इंटरवीन करने के लिए, तो देन यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप हेल्प कर सकते हैं तो फिर आप जरूर करें। लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आपको कोई, अगर आप अनवांटेड हैं, अगर आपको कोई नहीं चाहता कि आप इंटरवीन करें, मैंने अब जैसे हमारा यहाँ पे बहुत सारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, और यहाँ पे एक ही घर में काफी सारे लोग जो है वो रह रहे होते हैं, तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि जिन लोगों को की नहीं भी जरूरत होती कि वो इंटरवीन करें, जैसे नंद हो गई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, ओके, यू कैन टॉक अबाउट मी, यू नो, आई कैन टॉक, आई एम द मोस्ट केयरलेस काइंड ऑफ नंद, सो यू कैन, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट आई हैव सीन, आई थिंक मैनी गर्ल्स के जो जिन्हें इन मामलात में इंटरेस्ट लेने की बहुत आदत होती है। आई डोंट नो कि मतलब लोगों के पास इतना टाइम कैसे होता है। कॉलर ले लेते हैं आयशा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं आयशा? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहिए? हर रोज की तरह आपका आज भी बहुत अच्छा है। जबरदस्त जबरदस्त, तो अच्छे से टॉपिक पे अच्छी सी बात करें। हाँ जी, टॉपिक में बात ये करूंगी कि असल में जो खराबी होती है ना, वो हमारे अपने घर शुरू होती है। बिल्कुल। जनरल बात करूंगी तो ये होगा कि जैसे देखिए ना, अब सास बहू का मामला होता है, जैसे अगर बहू थोड़ी देर लेट गई है ना, तो सास को बाहर से घर घुसेगा, सास पता है ये सात दिन सोई रहती है, इसने यूं नहीं किया, हमने किसी को बात करने का मौका दिया, उसने आगे से बात शुरू की। ये भी तो बात है, ये बात है, ये अच्छी बात, अच्छा पॉइंट रेज किया आयशा आपने। हाँ जी, फिर उसी की बात पता क्या होता है, मैंने एक बात की, फर्स्ट करें मैं सास हूँ, मैंने एक बात की, जो सुनकर गई है उसने दो और लगाई, लगा ली, जिसको कहेगी वो चार और लगाएगी, तो वो घूम फिर के कुछ खिचड़ी बन के आ जाएगी। हाँ जी, वो जब जारी बहू को, आपने ये नहीं पूछा बहू से कि वो अंदर लेट गई थी कि क्या था, बेटा तुम्हारे सर में दर्द थी, तुम थक गई हो, कपड़े प्रेस कर रही हो, अलमारी सही कर रही हो, समथिंग, यानी कि कुछ भी हो सकता है अंदर, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। फरिया ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी जैसे इन्होंने बताया कि मतलब ये जो सास और बहू, ये जो हमने फजूल में हवा बनाया है ना, एक तो पहले हमने ये कॉन्सेप्ट प्ले करने है कि सास और बहू हवा नहीं है, नॉर्मल लोग हैं। एग्जैक्टली ये नॉर्मल है, लेकिन उसमें ये होता है ना कि एक चीज है, देखें आपको सबसे पहले वो जिस तरह से हम साइकोलॉजी में कहते हैं ना कि रेपो बिल्डिंग, देखिए मेरी अगर आपके साथ रेपो बहुत अच्छी बन गई है ना, तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, फिर इश्यूज नहीं होंगे, फिर ना तो थर्ड पार्टी को इंटरवीन करना पड़ेगा, ना ही इस तरह के इश्यूज रेज होंगे। लेकिन अगर आपकी बॉन्डिंग ही नहीं है, अगर आपने जैसे बहुत आजकल लव मैरिजेस का बड़ा ट्रेंड है, लव मैरिज हो तो जाती है, उसके बाद फिर जो सास है उसके दिल में अपनी वो ग्रजेस होते हैं, ठीक है, कि मैंने अपने बेटे की अपनी मर्जी से शादी करनी थी, लेकिन उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती उसे ग्रेसफुली, तो वो कोई ना कोई पॉइंट
कोई ना कोई रेज करती रहती है कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये करती है, ये करती है. सो इस तरह की चीजें जो है ना वो फिर काफी ज्यादा घर के एनवायरमेंट को खराब कर देती है. और वो किसी थर्ड पार्टी को आप बता रहे हैं तो फिर तो वहाँ, और वो किसी वो आप डायरेक्टली देखिए. आई डू बिलीव इन वन थिंग कि अगर आप एक कहते हैं असर्टिवनेस होता है कि अप्रोप्रिएट वे ऑफ सेइंग नो और लाइक अपनी लिमिटेशंस या फिर अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करें. कॉलर जी परवीन मसूद, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम उर्मिला, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. अच्छा मैंने तो आज बड़ा दिलचस्प टॉपिक आपको बताना है जो हर घर की कहानी है. बिल्कुल बताएं. हमारे घर ना इस तरह है कि हमारे घर एक काम वाली है. अच्छा अच्छा. वो मेरे से भी चीजें ले जाती है, मेरी बहू कह के मेरी बुराई करके उससे भी ले जाती है. ये तो बड़ी मजेदार कहानी है भाई, ये तो काम वाली बहुत फास्ट है. हाँ अच्छा. वो और फिर वो चोरियां भी करती है. एक दिन ना मेरी बहू का सूट पहन के आ गई तो मेरी बहू ने कहा ये तो मेरा है. तो कह नहीं, तुम्हारी सास ने दिया है मुझे. और आपने नहीं दिया हुआ था? हाँ मैं खुद हैरान. मैंने तो उसके लगाए थप्पड़. मैंने कहा झूठ बोल दी. ठीक हो गया, ये तो इंटरेस्टिंग. अच्छा मेट वाली कहानी मेरे पास भी है, जल्दी से टाइम कम होगा. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग परवीन मसूद साहिबा माशिका. मेट भी मुझे याद है कि हमारी एक पुरानी मेट होती थी तो वो भाभी के कमरे में सफाई करती थी और फिर मेरे कमरे में आती थी. तो एक दिन ना मैं उनके भाभी के बच्चे जो मेरा नेफ्यू उसको कुछ कह रही तो उसने ना वो उसको एग्जेजरेट करके तो भाभी को जाके बता दिया. और भाभी ने खैर उन्हें समझ आ गई थी, उसकी आदत पता थी. और जब हमने आपस में कम्युनिकेट किया तो वो लाफिंग लाइक एनीथिंग कि ये हमारी बातें इधर की उधर इधर और ये तो घर में लड़ाई करवाएगी. चले जनाब आज का हमारा टॉपिक यही था. थैंक यू सो मच फरिया कि आप हमारे साथ मौजूद रही. और हमने की कि थर्ड पार्टी जो इंटरफेरेंस है उसको किस तरह से आपने अवॉइड करना है. डायरेक्टली कम्युनिकेट करें और खुदा का नाम है ये जो आपने रिलेशनशिप्स को हवा बनाया हुआ है इसको दूर रखकर एक अच्छी पीसफुल जिंदगी गुजार, घरों का माहौल जो है पुरसकून रखें. क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप घर में पुरसकून माहौल में रहते हैं तो आपकी ओवरऑल लाइफ में भी स्ट्रेस बहुत कम रहता है. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.